अलीगढ़ से खबर है जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। विवादित बयान के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो जमातियों को गोली मारने का ये बयान दिया गया था और ये बयान उन पर भारी पड़ा, जिसके बाद आखिरकार उनको इस बयान की कीमत चुकानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और प्रमोद कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये सही बात है कि जमातियों ने जिस तरह से ये मामला छुपाया उससे आंकड़े बड़े हैं, काफी संख्या में बड़े हैं, लेकिन इस तरह से विवादित बयान देना ये भी ठीक नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है पूजा शकुन पांडे, इन्होंने आज से दो दिन पहले एक बयान दिया था। उस बयान के साथ साथ उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो जमाती हैं, तमाम जो जमाती हैं जो कोरोना को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं, उन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री अगर उन्हें इजाजत दे दें तो वो गोली मारने के लिए खुद भी तैयार है। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार चाहे मुझे सूली पर चढ़ना पड़े, मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसे लोगों को गोली मारने के लिए वो खुद तैयार थी। इसी बयान को लेकर समाजवादी से पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान है, उन्होंने कल एक तहरीर गांधी बाग थाने में दी थी और तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज हो गया था। मुकदमा कल दर्ज हुआ और आज अभी पुलिस पूजा शकुन पांडे के घर पर पहुंची है और पूजा शकुन पांडे सहित उनके पति जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको भी, दोनों लोगों को गिरफ्तार करके महिला थाने ले आई है पुलिस के आला अफसर वहां पर। प्रमोद, गिरफ्तारी के बाद अपने विवादित बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से अब दी गई है क्या? उनका ये नया बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुकी है और महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारकर उन्होंने महात्मा गांधी के पुतले को भी गोली मारी थी। उस मामले में वो जेल गई थी और आज फिर अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।